हेलो फ्रेंड्स, सोयाबीन मसाला बनाने के लिए आप पहले बॉयल्ड आलू लें, कुछ मसाले और ग्राइंडर में ओनियन, लहसुन और अदरक और टमाटो मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर कढ़ाई में थोड़ा तेल डालें। तेल गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा चीनी डालें रंग के लिए। उसके बाद उसमें पंचफोड़न, जो आप पंचफोड़न भी बोलते हैं, उसे डालें। फिर एक तेज पत्ता डालें। उसके बाद कटे हुए प्याज डालें। थोड़ा फ्राई करने के बाद उसमें पीसे हुए, ग्राइंड किए हुए मसाले, जैसे मैंने कहा, ओनियन, लहसुन, टमाटो और अदरक, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, उसका पेस्ट डालें। डालने के बाद उसे अच्छे से फ्राई कीजिए। जैसे कि वो फ्राई होके उसका कच्चा जो होता है स्मेल ना जाए, तब तक आप उसे अच्छे से फ्राई कीजिए। आप देख सकते हैं वो फ्राई हो रहा है। जितना हम उसे फ्राई करेंगे अच्छे से, उतना उसका रंग निखर के आएगा और उसका कच्चापन भी दूर होगा। कच्चा स्मेल जो आता है ओनियन लहसुन का, वो दूर होगा। जितना अच्छा फ्राई होगा उतना टेस्ट उसका आएगा। फिर उसमें थोड़ा फ्राई होने के बाद नमक डालें। सोयाबीन को हम बॉईल करके थोड़ा तेल और हल्दी डाल के फ्राई किए हैं। और मसालों में हमने धनिया, जीरा, हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाले और करी पाउडर लिए हैं। अभी हम राइस तो बना चुके हैं, राइस रेडी है और उसके साथ दाल भी रेडी है। दाल जैसे नॉर्मल आप लोग बनाते हैं वैसे ही दाल बना के रखिए। फिर हम अच्छे से फ्राई होने के बाद उस मसालों में जो थोड़ा सा पानी देंगे, फिर से उसे भून लेंगे थोड़ा सा। फिर उसमें पाउडर मसाला जैसे जीरा, धनिया, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे। डाल के उसे फिर से अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फिर से जितना उसे हम फ्राई करेंगे उतना ही उसका स्वाद निखर के आएगा। अच्छे से फ्राई होने के बाद उसमें हम गरम मसाला डालेंगे, फिर हम करी पाउडर भी डालेंगे। अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, ये अपने अपने स्वाद के ऊपर निर्भर करता है। जितना उसे अच्छे से आप फ्राई करेंगे उतना ही उसका स्वाद बढ़ेगा। फिर फ्राई होने के बाद देखिए तेल थोड़ा अलग अलग हो रहा है, थोड़ा रेडिश कलर आ रहा है। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी बीच बीच में आप डाल सकते हैं, डाल के उसे फिर से फ्राई कर सकते हैं। फिर अच्छे से फ्राई होने के बाद उसमें आप बॉइल्ड आलू जो रखे हैं वो डाल सकते हैं। बॉयल आलू डाल के फ्राई कर सकते हैं। आलू को हम तेल में फ्राई करके भी उसके अंदर डाल सकते हैं या फिर वैसे ही हम उसमें डाल सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। आलू डालने के बाद थोड़ा सा उसे भून लीजिए अच्छे से। फिर जितना आपको पानी चाहिए उतना आप पानी दे सकते हैं, लेकिन अभी तक सोयाबीन मत डालिएगा, क्योंकि सोयाबीन जितना ज़्यादा पकेगा वो नरम हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब पानी देने के बाद उसमें एक उबल आएगा, थोड़े से उबलने के बाद उसमें आप सोयाबीन, फ्राइड सोयाबीन डाल दीजिएगा। सोयाबीन को डाल के ज़्यादा मत पकाना, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ा क्रंचीनेस भी रहना चाहिए सोयाबीन का।
अब हमारा और थोड़ा सा उबलने के बाद रेडी हो जाएगा हमारा सोयाबीन मसाला। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से पक चुका है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप इसके साथ राइस खा सकते हैं, रोटी या पराठा, पूरी, कुलचा, नान, जो भी बना के आप खा सकते हैं। उसका कंसिस्टेंसी आप थोड़ा पानी भी रख सकते हैं और ग्रेवी टाइप भी रख सकते हैं। तो ये हमारा रेडी है सोयाबीन मसाला। आपको कैसे लगा हमारा ये रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।